students, our today's topic is sweet home drawing. In this drawing, we are going to draw a decorative sweet home with the help of different colors using bright colors like sketch pen, crayons colors and pencil colors. So let's start drawing. First you have to draw a triangle drawing for the upper side of the home. First step is triangle drawing. So you can use scale for the straight line. First, second line like this, and now triangle is complete. Then you have to draw, after triangle drawing, a rectangle drawing like this. You can join straight line like this with triangle. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे पूरे सीन के अंदर, पूरा एक सीनरी सीन है इसके अंदर स्वीट होम में. बैकग्राउंड में आपको हिल्स दिखाना है, ट्री दिखाना है, हमें कोकोनट ट्री दिखाना है यहाँ पर. तो सबसे पहले हम आपको इजी वे में क्या बनाया हमने, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज ट्राइंगल ड्राइंग, सेकेंड इज रेक्टेंगुलर ड्राइंग, एंड देन यू कैन ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन फर्स्ट सेकेंड, एंड देन यू कैन स्टैंडिंग लाइन आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे. अब हम अगेन रेक्टेंगुलर बनाएंगे, देन अगेन सेम स्टेप फॉलो करना है, स्ट्रेट लाइन टू लाइक दिस. दो पैरेलल लाइन ली हमने, यहाँ सामने हमने दो पैरेलल लाइन ली है. जो रेक्टेंगुलर के नीचे आपको जो सिंपल स्टिक दिखानी है लाइक दिस, टू पैरेलल लाइन के साथ. अब हमने अगेन एक बिग साइज का रेक्टेंगुलर बनाना है शेप. नाउ अब हम क्या बनाएंगे, टू पैरेलल लाइन फर्स्ट एंड देन सेकेंड. अब आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम ये वाला फॉलो, हमने ये स्टेप फॉलो करना है. यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, वन स्ट्रेट लाइन एंड देन सेकेंड स्ट्रेट लाइन. नाउ स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सेम फॉलो ये वाला हमें रूल्स करना है यहाँ पे, फॉलो करना है ड्राइंग. फर्स्ट एंड देन सेकेंड. नाउ जॉइन दिस लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन स्ट्रेट लाइन. इस टाइप से आपको एक होम का स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है, ये हमने बनाया है. अभी फ्लोर होम के फर्स्ट फ्लोर पे हम एक छोटा सा गेट दिखाएंगे, डोर दिखाएंगे, ये देखिए. एंड नाउ ड्रॉ सर्कल, स्मॉल सर्कल लाइक दिस. यू हैव टू ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर, स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप लाइक दिस फॉर द विंडो, एंड स्मॉल, एंड यू हैव टू ड्रॉ ए स्मॉल डोर लाइक दिस इन द सेकेंड फ्लोर. अगेन टू विंडो हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पर, वन एंड टू. अब हमें बिग साइज का डोर ड्रॉ करना है. नाउ नाउ आवर होम ड्रॉइंग इज कम्प्लीट. अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बैकग्राउंड बनाएंगे इसके अंदर. ठीक है, तो बैकग्राउंड में क्या दिखाया है हमने, फर्स्ट हम पीछे बैक साइड एरिया में, हम बैकग्राउंड एरिया में हम हिल्स दिखाएंगे एंड क्लाउड्स दिखाएंगे एंड ग्रीनरी दिखाएंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ कर्व लाइन लाइक दिस. यू कैन कंटिन्यू दिस लाइन इन दिस साइड एंड देन यू हैव टू ड्रॉ हिल्स शेप लाइक दिस. फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप आपको यहाँ से ज्वाइन करनी है लाइन. देन इसको हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से क्या हो गया इसका शेप इधर हाइड हो जा रहा है, ये वाला लाइन हाइड हो गई है इस साइड हमारी फर्स्ट फ्लोर की आने से. तो अब हम यहाँ से ये नेक्स्ट हिल हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे एंड देन इसको हम कंटिन्यू करते हुए यहाँ ये कर देंगे कंटिन्यू. तो हमारे हिल्स ड्रॉइंग कम्प्लीट हो गया है. अब हम यहाँ से हम डेकोरेटिव स्नो हिल दिखाएंगे हम, तो यहाँ पर हम शेप इस टाइप से आप ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम ड्रॉ करेंगे ब्यूटीफुल क्लाउड. वन स्टेप सी बनाया हमने, अपोजिट साइड सी बनाया, बिग सी, इस टाइप से हम स्मॉल, बिग,
मीडियम साइज का सी, इस टाइप से सी बना बनाकर हम एक क्लाउड बनाएंगे। ठीक है, ये हमने क्लाउड बना दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, हम ट्री बनाएंगे। ठीक है, तो ट्री से पहले हम फर्स्ट ट्री बना लेते हैं हम। चलिए, तो हम यहाँ पे एक टू डिफरेंट लाइन लेंगे हम इस टाइप से फ्री हैंड, वन अपर साइड से, अपर साइड एरिया से ये लाइन थिन होगी और नीचे जाते हुए, डाउनवर्ड जाते हुए ये चौड़ी हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं ट्री का स्टेम्प होता है तो वो चौड़ा होता है और ऊपर से पतला होता है ना, तो हम यहाँ से ये लाइन ऊपर से हमने ली पतली, नीचे जाकर ये चौड़ी हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है, और हम यहाँ पे ये एरिया दिखा देते हैं, यहाँ पर हम स्टोन दिखाएंगे, ग्रास दिखाएंगे, वन टू ग्रास कैसे बनाते हैं ये देखिए, ये स्टोन्स दिखाने हैं हमें। ये हमने ग्रास बना दिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ट्री की हम ब्रांचेस बनाएंगे, लीव्स बनाएंगे। तो सबसे ईजी स्टेप में मैं आपको बताऊँगी आपको क्या करना है। यू हैव टू ड्रॉ फ्री हैंड लाइन्स लाइक दिस, कर्व लाइन फर्स्ट, नाउ सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड लाइन हम यहाँ से लेंगे, फोर्थ, आपको इस टाइप से कर्व लाइन सिंपल फ्री हैंड ड्रॉ करनी है। एंड देन ये देखिए, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर सिंपल लीव्स ड्रॉ करेंगे। अभी हमारा स्ट्रक्चर रेडी हुआ है। लीव्स कैसे बनाएंगे, ये करा हमने क्रॉस क्रॉस, इस टाइप से आप लीव ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए ये हम ट्री ड्रॉ करेंगे, दिस इज अ कोकोनट ट्री। ये देखिए ट्री ड्रॉइंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर टू कोकोनट्स दिखाएंगे। कोकोनट्स कहाँ मिलते हैं हमें, कोकोनट ट्री हमें कोकोनट देता है। अब हमें क्या करना है, स्मॉल कोकोनट ट्री बनाना है, वही सेम फॉलो स्टेप करना है जैसे हमने इसकी ब्रांच बनाई है, सेम बनाना है स्मॉल कोकोनट ट्री। ये वन टू, और हम यहाँ पर सिंपल दिखाएंगे, छोटी लाइंस दिखाएंगे। ये हमने कोकोनट ट्री बनाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ग्रीनरी दिखानी है। यहाँ पे हम ऐसे क्लाउड वे में ग्रीनरी दिखाएंगे, कहीं हमें क्लाउड बनाना है, कहीं हमें ग्रीनरी दिखानी है, ग्रास दिखानी है। तो हमने यहाँ, अब हम बोथ साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड स्वीट होम के दोनों साइड हम बाउंड्री दिखाएंगे, ब्यूटीफुल सी बाउंड्री दिखाएंगे। उसके लिए हमें स्केल रखना है लाइक दिस, इस टाइप से, और आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए, इसकी पैरेलल आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी है, हमें टू लाइन ड्रॉ करनी है इस टाइप से। वन हमने ड्रॉ किया फर्स्ट एंड सेकेंड, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आपको थोड़ा गैप छोड़ना है यहाँ पर, और यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। इस ट्री को हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, अब हमने अगेन टू लाइंस इस टाइप से ड्रॉ करनी है। नाउ बाउंड्री ड्राइंग कंप्लीट है हमारी। अब हमें यहाँ पे ये लाइंस शो करनी है थोड़े थोड़े एरिया में, थ्री। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को इस टाइप से ओवरलैप करेंगे। क्या बनाया हमने यहाँ पे, ये बाउंड्री बना रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। इसको हम ऐसे अपर साइड से ऐसे पॉइंटेड रखेंगे। ये देखिए, ये हमारी ड्राइंग बाउंड्री ड्राइंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे एक स्मॉल कोकोनट ट्री बनाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लाइंस लेना, इसको कंटिन्यू करेंगे अपर साइड करना है आपको सिंपल। एक लाइन इस टाइप से फ्री हैंड ड्रॉ करनी है आपको, वन एंड सेंड, इससे अटैच होती हुई दूसरी लाइन। अब हमने यहाँ पे ग्रास बनानी, ग्रास कैसे बनाएंगे हम, ये हमने एक लाइन ली अपर साइड अपवर्ड्स जाते हुए, अब इसको डाउनवर्ड्स करना है, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स। तो इस टाइप से छोटी बड़ी आपको लाइंस ड्रॉ करनी है अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स हैंड मूव करते हुए। ठीक है, ये हमने ग्रास ड्रॉ करी है। अब यहाँ पर हमने स्टोन ड्रॉ करा है, ये देखिए स्टोन ड्रॉ करते। तो अब हमारा नाउ ड्रॉइंग कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं।
अब हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट हम करेंगे क्लाउड से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो थोड़ा डार्क पेंसिल मैंने चलाई, उसको मैं लाइट करूँगी अभी, फिर मैं इसके ऊपर आउटलाइन करूँगी क्लाउड की ड्राइंग के ऊपर। ब्लू पेन से हम ऐसे आउटलाइन करेंगे, यहाँ आप डार्क ब्लू कलर लेंगे वो अच्छा हाईलाइट होगा, तो मैं यहाँ पे अभी डार्क ब्लू कलर ले लेती हूँ, मेरे पास लाइट ये देखिए। तो हमने यहाँ पे आउटलाइन कर दिए फर्स्ट क्लाउड की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नाउ, सेकंड स्टेप है हमारा, हम पहाड़, पहाड़ मतलब ये आपको हिल्स दिख रहे हैं, इसकी हम आउटलाइन करेंगे। ब्राउन कलर के होते हैं ये, ब्राउन का पेंसिल करेंगे हम फर्स्ट एंड देन सेकेंड, टू लाइन्स हमें दिखानी है इसमें। आपको ऐसे ये लीव्स बीच में ओवरलैप हो रही है, उसको छोड़ना है, ये देखिए। कलर का यूज करना है हमने डार्क ब्राउन अपर साइड करा है, इसके अंदर हम लाइट ब्राउन करेंगे ट्री की ब्रांच में, ये देखिए। स्टैम्प में हम, ये ट्री का स्टैम्प होता है, इसमें हम ब्राउन, ये देखिए हमने स्टैम्प में ब्राउन कलर करा है, ठीक है। इसी टाइप से हम यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे, टू टाइम्स हमें इस टाइप से लाइन ड्रॉ करनी है, वन एंड देन सेकेंड लाइन लाइक दिस। बहुत इजी कलरिंग है, नीट एंड क्लीन करना है, फिनिशिंग के साथ करना है आप सब बच्चों को, ठीक है। यहाँ हमने ब्राउन कलर करा है स्टैम्प के लिए, फॉर द ट्री स्टैम्प कलर, वो हम ग्रीन ट्री में करेंगे। तो हम ये लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कर्व लाइन जो हमने ग्रास के लिए बनाई थी, यहाँ डार्क ग्रीन कलर करेंगे, वन टू एंड थ्री स्टेप में हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि बेटा ये पॉइंट हमारा बहुत पतला होता है पेन का, इसको हम थ्री टाइम्स ऐसे करेंगे। ये देखिए ट्री का हमको स्टेम छोड़ना है, ट्री का पार्ट एरिया छोड़ना है वाला, इसको ऐसे करना है आपको। और ये वाले ट्री के ऊपर हमने भूल गए हम, ये ब्राउन कलर कर देते हैं। अब हम आउटलाइन करेंगे ग्रास के अपर एरिया पे, तो इसके ऊपर हम ओनली वन टाइम आउटलाइन करेंगे, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, जैसे हमने यहाँ थ्री टाइम्स बोला था आपको। कहीं कहीं आप रिपीट कर लें, लीफ में आउटलाइन करेंगे ग्रीन कलर से, डार्क ग्रीन कलर से लाइक दिस। ये हमने आउटलाइन कर दिया, अब हम क्या करेंगे, एक और ट्री है हमारा, इसके ऊपर भी आउटलाइन करेंगे। इस बाउंड्री पे हम यहाँ पे ग्रीन कलर करेंगे, ग्रीनरी दिखानी है हमने आउटर एरिया में होम के, ठीक है। ये हमने ग्रीनरी दिखा दिया, इस टाइप से ये ग्रास दिख रही है आपको, यहाँ पे भी हम आउटलाइन करेंगे ग्रीन कलर की। ये देखिए बच्चा, अब हम आउटलाइन इसके, इस ग्रास के ऊपर भी आउटलाइन करेंगे, स्टोन के ऊपर हम ब्राउन कलर करेंगे, जहाँ हमें ग्रास का एरिया दिख रहा है वहाँ हम आउटलाइन कंप्लीट कर देंगे। आपको जहाँ पे भी ग्रीन कलर का वर्क दिख रहा है, जैसे लीव्स के अंदर, ग्रास के अंदर अपर साइड, तो वहाँ डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन करेंगे कलर। ये देखिए इसको हम लाइट ग्रीन कलर से फिलअप करेंगे ग्रास को, स्केच कलर यूज़ करूँ बच्चे मैं यहाँ पर,
आपके पास कोई भी कलर है आप वो कर सकते हैं, बट यहाँ आउटलाइन के लिए स्केच कलर यूज़ कर लें जैसे आपकी ड्राइंग बुक में इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग। शेडिंग करेंगे लीव्स में, कहीं कहीं हमें व्हाइट पार्ट छोड़ना है ट्री के अंदर। बाउंड्री की ड्राइंग के लिए हम क्रिम्सन रेड मैरून कलर यूज करेंगे, ये आपको इस टाइप से आउटलाइन करनी है। वन टू टू लाइंस लाइक दिस, इसको हमें आउटलाइन से कवर करना है। लाइन्स आ रही है उसको मैं रब कर दूंगी, एक्स्ट्रा लाइन्स जो हमें इसको ऐसे करना है आपको, ऐसे हमें ट्री की भी लाइन्स रब करनी है एक्स्ट्रा लाइन्स। अब हमें क्या करना है, अब हम तो फर्स्ट मैं लूँगी येलो कलर, सॉरी फर्स्ट मैं लूँगी लाइट ब्लू कलर, ट्राइंगल में हम ब्लू कलर करेंगे। आउटलाइन इस टाइप से करनी है आपको, टू टाइम्स रिपीट करना है, वन टू। दिस साइड यहाँ डिफरेंट कलर उठाएंगे, हमने ग्रीन कलर उठाया, सैप ग्रीन कलर। स्केल की हेल्प से भी आप कर सकते हैं, फिनिशिंग आएगी बेटा ये देखिए। अब हम लेते हैं येलो कलर, तो आपको ऐसे कलरफुल होम दिखाना है, स्वीट होम। इसके अंदर भी येलो करेंगे, चेंज कलर करेंगे। इसको टर्न करेंगे हम दूसरे साइड कलर करने के लिए रेक्टेंगल के साइज पे। स्टॉप, फर्स्ट रेक्टेंगल में ब्लू कलर करेंगे लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, अब हम जल्दी से डोर्स का शेप दिखाते हैं, हम पर्पल कलर यूज़ करेंगे विंडोज़ के लिए। इसको हम ब्रॉड करेंगे तो ये अच्छा हाईलाइट होगा। देखिए हम कंप्लीट विंडो पर्पल कलर की रखेंगे। हम ब्रॉड कर देंगे तो ये ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा लाइक दिस। अब हमें लास्ट करना है तो हम ग्रे कलर उठाएंगे। स्टेयर्स ग्रे कलर की करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर करते हैं स्टोन के अंदर जल्दी से कलर करते हैं। ब्राउन कलर के डिफरेंट टोन्स हैं मेरे पास स्केच कलर के, 20 कलर्स का सेट है, तो यहाँ मैं ऑकर येलो है, ब्राउन कलर का डिफरेंट शेड वो कर दूँगी। देखिए यहाँ पे हमने लिया ये हमने कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम साइड से फिल करेंगे जिगजैग वे में, और कोकोनट के अंदर हम ब्राउन कलर फिल करेंगे लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा सा आपको शेड दिखाना है डिफरेंट हिल्स के अंदर, अपर टॉप के साइड।
टॉप एरिया पे हमें ऐसे दिखाना है। चलिए ये हमारे पास से कलर्स फिल करेंगे, जैसे हमने क्लाउड में क्या करना है, ब्लू कलर से फटाफट फटाफट हमने ऐसे शेड दिखाना है। ठीक है, कंप्लीट ऐसे फिल नहीं करना, आपको ऐसे शेड दिखाना है, बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा इससे। अब हमने डार्क ब्लू लेना है फॉर दी टॉप ऑफ दी हर्ट, डार्क ब्लू कलर। ये देखिए, ये ऐसे शेड दिखाना है आपको, अंदर भी हम ऐसे ही शेड दिखाएंगे। डोर के अंदर हम करेंगे रेड कलर, इसके अंदर हम करेंगे पर्पल ब्लू, इसके अंदर हम ब्लू कलर कर देंगे। अब हम यहाँ ग्रीन कलर करेंगे कंप्लीट फिल, बिल्कुल लाइट हैंड से शेड दिखाना है आपको। ये देखिए, अब हम ऑरेंज कलर फिल करेंगे यहाँ, ऑल कंप्लीट ड्राइंग के अंदर जहाँ पे भी आपको ब्लैंक लग रहा है वहाँ आप ऐसे कलर से शेड देंगे बिल्कुल लाइट हैंड से। यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं लाइक दिस, स्टॉप। कलर से कलर फिल करेंगे, कहीं कहीं डार्क, कहीं कहीं हमें शेड दिखाना है लाइट एंड डार्क। अच्छा, यहाँ पे आपको ये डार्क इफेक्ट ऐसे दिखाना है, हमने कंप्लीट कर दिया इसको कलरिंग करके। ये देखिए, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा क्या रहता है पोर्शन, येलो कलर रहता है हमारा, यहाँ हम येलो कलर कम्प्लीटली फिल कर देंगे इसको शेड के साथ। पेंसिल कलर से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, शेडिंग इफेक्ट, तो इस टाइप से आप कलरिंग करेंगे। अब क्या करना है, बस अब हम रहता है हमारा यहाँ ब्राउन कलर, डार्क इफेक्ट देखिए, और कहीं हम करेंगे येलो, तो इससे अच्छी शेडिंग आएगी। ग्रीन कलर में भी हम लीव्स में कहीं कहीं येलो कलर दिखाएंगे, उससे सुंदर इफेक्ट आएगा। नाउ आवर टॉपिक इज कंप्लीट क्लास, आपको भी ऐसे ही सेम करना है, ब्यूटीफुली इसको ड्रॉ करना है। फर्स्ट आपको स्केच पेन से आउटलाइन करनी है ऑल ड्राइंग की, ठीक है, और कहीं कहीं हमें बिल्कुल लास्ट में हमने टचिंग दी है ब्लैक कलर से, कोकोनट बनाना है आपको, ये टेक्सचर बनाना है ट्री का, यहाँ ब्लैक टेक्सचर दिखाना है, और इस टाइप से आपको कलरिंग करनी है। ठीक है, तो सब बच्चे ट्राई करेंगे अच्छे से,